चित्रकूट धाम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन चित्रकूट धाम में बालाजी का एक मंदिर है, बालाजी सरकार का। और मेरे हाथ में बर्तन आप देख रहे होंगे, तो इस मंदिर से, इस बर्तन की भी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। आगे बताऊंगा, तब तक आप यहाँ के दर्शन करिए और चलिए हमारे साथ इस मंदिर परिसर के अंदर। तो मंदिर के परिसर के अंदर भाग दिखा दिया जाए कि कैसा ये महाराष्ट्रियन संस्कृति का मंदिर है, और चित्रकूट में क्या कहते हैं, इस प्रकार के मंदिर बहुत ही कम, क्या अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। माता रानी का जब आप दर्शन करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए ये माता रानी की भव्य मूर्ति, क्या कहते हैं, कितनी दर्शनीय मूर्ति है, कितनी जीवंत लग रही है। इसकी जीवंतता देख करके जब दूर से देखते हैं तब भी कितनी जीवंत नजर आती है, और जब आप नजदीक से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ वास्तव में कितनी करुणामय है, कितनी दयालु हैं। और जैसे उनका कोई ऐसा विभत्स रूप भी कहा जाए कि अगर राक्षसों का, दानवों का वध करना हो तो एक ऐसा रूप भी माँ धारण कर लेती है। मतलब इस एक रूप में माँ के आपको अनेकों अनेक रूप नजर आ जाएंगे। आप देखेंगे तो ये माँ का अपना एक स्वरूप है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देखेंगे तो विश्व योगी स्वामी श्री मच्छिंद्रनाथ लिखा हुआ है। तो ये विश्व योगी हैं, उन्हीं के लोग होंगे। आगे लोग बताएंगे कि कौन से स्वामी हैं, कौन से योगी हैं। योगेश्वरानंद डॉक्टर श्री मंगलनाथ महाराज संस्थान करबी चित्रकूट धाम। तो ये यहाँ पे शायद क्या कहते हैं, कभी पुजारी रहे होंगे, महंत हैं और अब नहीं है इस दुनिया में। बताते हैं 2021 में ही ये देह छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से इस मंदिर का इतिहास मैं आपको बताना चाह रहा था, और करीब 5,000 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है। बताने वालों ने तो बताया कि ये करीबन 5 बीघे में ये मंदिर था। 5 बीघे की अपनी एक इसकी एक जमीन थी, मलकियत थी, लेकिन उस 5 बीघे से सिमटते सिमटते एक मंदिर अपने कुछ ही विश्वा में समाप्त हो जाता है। तो जिस बर्तन की कहानी मैं आपसे कहने जा रहा था कि बर्तन क्या है, तो ये बहुत सारे बर्तन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे बर्तन आपने बहुत कम देखे होंगे। अब तो आपका जो मॉडर्न युग आ गया है, वहां पर स्टील के बर्तन और जाने कैसे कैसे पतले पतले छोटे छोटे चलने लगे हैं। ये हमारे प्राचीन संस्कृत के बर्तन हैं। इतने बड़े बड़े बर्तन क्या कहते हैं, अब बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, और ये शायद खाना बनाने के उपयोग में भी बहुत कम अब लाए जाते हैं। तो जो आप देखेंगे चाय की ऐसी केटली जो बहुत कम जगहों पर अब नजर आएगी, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी ऐसी चाय की केटली प्रयोग में लाई जाती है। बहुत सारे वहाँ पर चाय जो बनाते हैं लोग, ऐसी केटली और ऐसे ही पीतल के बर्तन में वहाँ पर चाय बनती भी आज भी तमाम होटलों में, महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही पीतल के बर्तन में ही चाय बनती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार के ये जो बर्तन है आप देख रहे हैं, ये बर्तन अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे ये चौघड़ा है, इसको आप देखोगे तो ये अभी स्टील का ही आपको नजर आएगा, लेकिन जिसका वेट है ये बहुत भारी है। और वेट देखेंगे आप, इनको देखेंगे तो ये भी बहुत सारे ये सब प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो धर्म, ईमानदारी और इनको संभाल करके रखने की कहानी है। अब जो ये बर्तन जो मेरे हाथ में था, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि ये रानी विक्टोरिया बनी हुई है। आप नजदीक से देखेंगे तो विक्टोरिया बनी हुई है, और मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है। तो मतलब उस समय मेड इन जर्मनी के बर्तन उत्तर प्रदेश में थे, और पेशवा कालीन राजा जो थे उस समय का ये मंदिर भी है। 5,000 वर्ष पुराना इतिहास बताया गया है। तो बर्तन हमने आपको दिखाए हैं जिन्होंने सौंपा है, आपने सौंपा है बर्तन यहाँ पर। तो मंदिर में सौंपने वाले व्यक्ति हमारे सामने ये एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। बहुत बड़ी बात होती है लगभग 100-200 वर्ष संभाल करके रखना बर्तन को, कोई भी एक छोटी सी संपत्ति को संभाल करके रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारा समय आता है, गुजरता है, स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, जाने क्या क्या होता है। और ये जो आप काम कर पाए हैं इतने लंबे वर्षों तक, आपके पास कैसे ये रखे रहे बर्तन, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये हमको मतलब माता जी ने बताया कि किसने बर्तन रखे थे, हमको ये नहीं पता, वहाँ बचपना था, लेकिन जब माता जी ने बताया तब से ये बर्तन रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अस्थायी रूप से रहने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है कि हम उसको सौंप सकें। जब हमको महाराज जी से भी हमने बताया, बड़े महाराज जी, गुरु महाराज से, तो उन्होंने कहा ठीक है रखे रहने दो, जब कोई यहाँ रहेगा तो उनको दे देना। अब जब हमने देखा कि तिवारी जब मुस्तकिल रूप से यहाँ रह रहे हैं, तो हमने इनको बुला करके जी, तो आपकी माता जी का क्या नाम है? हमारे माता जी का नाम राधा देवी था, जयजुरकर। तो आप इनकी माता जी का नाम जरूर सुनिएगा, क्योंकि माँ जो थी उन्होंने संभाल के रखा, और फिर बेटे ने भी संभाल के रखा, और बेटे ने आज इस मंदिर की संपत्ति को अपनी इच्छा से सौंपा है। तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कि ये मंदिर में मुझे अब सौंप देने चाहिए? अपने आप अंतर से प्रेरणा हुई
कि पराई संपत्ति है, हमको क्या करना, अभी तक ये रखे रहे, अब इनको महाराज जी आ गए। कितने समय पहले आपको ऐसा मन में आया कि अब मैं सौंप दूं? ये करीब 10-15-20 साल पहले से मन में आ रहा था। सौंपा भी आप? हाँ हाँ। तो अब किसको सौंप दें? जब हम देखा कि अब ये तिवारी जी यहाँ पर परमानेंट रह रहे हैं तो हमने इनको सौंप दिया। इतनी पुरानी चीज इतनी चमकीली कैसे हो गई है, जो नए नए दिख रहे हैं लोग सब तो करेंगे। चमकाया गया, चमकाया गया। हाँ, महाराज जी ने चमकवाया इसको बाद में, अभी दे करके तमेर को बुला करके। नहीं तो सब मैले मैले पुराने बर्तन थे, अभी इसको तमेर को दे करके सफाई करवा दी। ये है कि तो मंदिर के पुजारी जी आप हैं? आप हैं, आप बोलेंगे कुछ? पुजारी भी है, व्यवस्थापक भी है। व्यवस्थापक है, पुजारी है, तो इन्होंने आपको सौंप दिया? हाँ, ये सब बर्तन आप इन्हें सौंपा है और बड़ी श्रद्धा से इन्होंने सौंपा है। उनका कहना था कि भाई इसका एक प्रूफ भी रहे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इतने दिन बाद मैंने ये बर्तन। इस सबूत की क्या जरूरत है? मंदिर की संपत्ति दे दिया, बताने की क्या जरूरत है किसी को? अरे नहीं नहीं भाई, भाई कल लोग ये भी तो कहेंगे कि बर्तन ज्यादा थे, कम थे, कैसे थे, क्या थे, झूठ बोल रहे, नहीं दिए इन्होंने, झगड़ के सवाल कोई क्यों करेगा? मंदिर की तरफ लोग नहीं देखते थे, हमें खुद नहीं पता था बालाजी मंदिर है क्या चित्रकूट में? नहीं नहीं, लेकिन जो लोग मंदिर से जुड़े हैं वो तो कई क्वेश्चन करेंगे ना। हर तरह के लोग होते भाई साहब, उनका तो सही है, पता चलेगा ना मंदिर के लोगों को, जुड़े हुए लोगों को ऐसे बर्तन मिले हुए हैं। तो उसमें उनको ये चाहिए था कि बर्तनों का एक प्रूफ बोल के फोटो हो जाए, उनका एक वक्तव्य हो जाए, ताकि उन्होंने इतने दिन बाद में सौंपा है वो लोगों के ध्यान में आए कि भाई जो आंतरिक भक्ति होती वो दिखावे की नहीं होती, वो दिखाई नहीं जाती, वो ऐसी स्पष्ट होती है कर्म से, वो उनको दिखाना। तो बालाजी मंदिर का जैसे आप बता रहे हैं कि जो तिरुपति के बालाजी हैं वैसे यहाँ पर बालाजी हैं, तो क्या इसका एक ऐसा प्रचार प्रसार का भी माध्यम है कि तिरुपति बालाजी बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, तो ज्यादातर लोग यहाँ दर्शन करने आने लगे तिरुपति यहाँ? नहीं नहीं, इसका 1857 में इसका यही नाम था कि तिरुपति न जाते हुए यहाँ आइए। जो यहाँ के एक सेठ थे, देवीचंद सेठ और कोई चुन्नीलाल सेठ ऐसे, मैं अभी उसका डिटेल नहीं बता सकता, एक राजापुर के थे, एक रायबरेली की, ये पुस्तक से मैं आपको दे दूंगा, एक नाथ संजुनी बोल के पुस्तक है, उसमें इसकी पूरी कहानी है। तो वो विठ्ठलनाथ महाराज जी को उन्होंने सपना दिया था कि मैं राजापुर में एक चावल के बोरी में हूँ, मुझे ले आइए, मुझे इस मंदिर में बैठाइए। और उसके पहले ये मंदिर निस्तानाथ मठ था, यहाँ सिर्फ अपनी अपनी साधना होती थी और गुप्तनाथ जी की समाधि थी। लेकिन विठ्ठलनाथ जी जो थे वो 36 वर्ष वहाँ तिरुपति में उन्होंने साधना की थी, उसके बाद ये मूर्तियाँ यहाँ बैठी। उस समय इसका इतना ये फेमस होते हो गया था कि लोग तिरुपति न जाते यहीं आते थे, यूपी का हर आदमी, उस वजह से इसकी काफ़ी संपत्ति थी। लेकिन जब पेशवा पकड़ा गया विठूर में, उसके बाद में उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इसका विध्वंस किया, उस वजह से ये मंदिर पूरा निग्लेक्टेड हो गया और बाद में लोगों ने यहाँ बस्ती बना ली। अब ये धीरे धीरे जो उस समय के जो भी यहाँ 5-6 कुटुंब है जो इसके सेवक थे, उसमें से राधा काकू, इन्होंने कम से कम 50 साल यहाँ पे सेवा की थी, उनके पास कुछ बर्तन थे जो उन्होंने अपने बच्चे को कह गए थे कि भाई ये मंदिर में सौंप देना। उन्होंने कम से कम, आज उनकी भी 85 वर्ष की उम्र है वो। तो आपका क्या नाम है? कृपा शंकर तिवारी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधाकर राव देवकर है। तो आपने पूरी कहानी देखी और बर्तन के पीछे की ईमानदारी के भाव को और किसी की संपत्ति को, पराई संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसको वापस सौंप देने की स्टोरी एक रोचक कहानी है, और ऐसी कहानियां अब बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी जो बड़ी बात निकल करके हमारे सामने आई है कि चित्रकूट अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहाँ श्री राम भी हैं, जहाँ श्री कृष्ण भी हैं, और जहाँ तिरुपति बालाजी के बालाजी जो हैं वो स्वयं बालाजी चित्रकूट में विराजते हैं। तो चित्रकूट का इतना एक गौरव इतिहास रहा है, और बता रहे हैं जो महाराज जी ने कि अगर आप तिरुपति बालाजी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सीधी सी बात है हमारे पास पैसे नहीं है, हम तिरुपति बालाजी कैसे चले जाएंगे, तो दर्शन करने के लिए जैसे कबीरदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वैसे ही अगर आप तिरुपति बालाजी नहीं जा पा रहे हैं तो कबीरदास के उस दोहे का अनुकरण करते हुए चित्रकूट में पुनः एक बार आप तिरुपति बालाजी के ही सीधे दर्शन कर सकते हैं, अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और बता ही रहे हैं कि इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है और लोग यहां आते थे दर्शन करने। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।